बिहार के हर जिले में छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन्हें जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत खोला जा रहा है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए पहले ही जारी कर दिए थे। सभी 38 जिलों में अब तक 189 छोटे उद्योग की पहचान भी हो चुकी है। बेगूसराय और कैमूर में तो 4 जगह काम शुरू हो जाने का दावा उद्योग विभाग ने किया है। इन सभी छोटे उद्योगों में प्रवासी श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। हर एक समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। जिला स्तर पर प्रवासी श्रमिकों या कुशल कारीगरों के समूह बनाए गए हैं जो एक ही सेक्टर से जुड़े हो। कई जगह इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समूह का पंजीकरण कराया जा रहा है। हर समूह में कम से कम 10 लोग होंगे। हर समूह पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। तो इस लिहाज से हर जिले में 5 समूह बनाए गए हैं, यानी 5-5 उद्योग हर जिले में स्थापित हो रहे हैं। जाने पड़ेगा, खाने के लिए है नहीं तो क्या करेगा, कमाएगा जब ही ना खाएगा जी। अच्छा, नीतीश सरकार बार बार कह रही थी कि यहाँ पर लोगों को हम रोजगार देंगे ताकि जो प्रवासी मजदूर की जितनी भी समस्या है वो सारी चीजें खत्म हो जाए, उसका समाधान हो जाए। जब मिलता तो हम किस लिए जाते, हमको सब चीज मिलवे करेगा तो रोजगार भी मिलता तो नहीं जाते। अच्छा, टिकट किसने कराई आपको? कंपनी ने कराया। कंपनी ने कराई? हाँ। अच्छा, कंपनी ने टिकट कराई और आपको बुलावा आया है वहाँ से? पहली बार बैठ रहे हैं हवाई जहाज पे? पहली बार बैठ रहे हैं। अच्छा, आप भी चेन्नई में जा रहे हैं? आप लोग साथ में काम करते हैं? साथ में काम करते हैं। कितने लोग आप लोग साथ में जा रहे हैं? अभी 5 आदमी जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग 5 आदमी जा रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ पटना में? पटना विनेका पाली जी, विनेका पाली। अच्छा, वहाँ से हैं आप। तो यहाँ पर क्या रोजगार नहीं मिला कि वापस जा रहे हैं? यहाँ पर रोजगार नहीं मिला इसलिए जा रहे हैं चेन्नई, काम नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला। कहीं ना कहीं कोरोना के डर से आप लोग वापस अपने घर लौटे थे? वापस लौट गए, लेकिन अभी तो कोरोना खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ तो फिर खत्म नहीं हुआ तो यहाँ भूखे मरने से क्या फायदा।